सबसे पहले हम एक ब्रेड की स्लाइस लेंगे और उसके ऐसे लंबे लंबे तीन टुकड़े करेंगे। फिर हमें ऐसे छोटा करना है। आप अपने पसंद से किसी भी शेप में काट सकते हैं, छोटा या बड़ा। इसी तरह से हम सारा ब्रेड काट लेंगे। अब एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच हमने तेल डाला है। ये तेल गर्म हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें राई दाना। ये चटकने लग गया है। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसे चला लेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, फ्रेश मटर और इसे हमें चलाना है। मटर को हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। ये लगभग पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ टमाटर और इसे हमें चला लेना है। हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और इसे हमें मिक्स कर लेना है। हम थोड़ी देर इसे भी पका लेंगे। ये लगभग अब सब कुछ अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ ब्रेड और इसे हमें हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। ये लगभग रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।